क्लास 9th F। सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स। चैप्टर टेन पहली वीडियो में बताया था कुछ हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, तो जी की परिभाषा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल के निकट स्थित है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। परंतु पृथ्वी किसी वस्तु को
जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वस्तु का भार mg कहलाता है। अतः F बराबर mg, इक्वेशन सेकंड मान लिया। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो हैं, दोनों में F बराबर है, बल बराबर, तो F बराबर है तो ये दोनों राशि भी बराबर हो जाएंगी। mg बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर, इसलिए जी बराबर जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर, दोनों में यही संबंध होगा क्योंकि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, दोनों में कैपिटल जी और स्मॉल जी में यही संबंध होगा। विभिन्न स्थानों पर मान, गुरुत्व त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है जी का मान पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वह पृथ्वी तल से नीचे यानी कि गहराई में जाने पर घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण जी के मान की परिकल जी के मान का परिकलन, जी का मान किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। पृथ्वी तल के निकट गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, अभी उपरोक्त हमने सिद्ध किया था, उपर्युक्त सूत्र में जी बराबर 6.67 गुणा 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान
कैपिटल एम बराबर 6×10^24 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या आर बराबर 6.4×10^6 मीटर। तो इसलिए जी बराबर 6.67×10^-11 6×10^24 / 6.4×10^6 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 40.02×10^13 / 40.96×10^12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हल किया हमने, इसको हल करने के बाद जी बराबर 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि एक अभीष्ट मान है। इसका मान, इसके स्थान पर हम कभी कभी जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं।